भैया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो भैया आज इनको स्कूल छोड़ना था और लेट हो गए, तो जल्दी करो भाई, 8:10 हो गए ये अभी तक। क्या बोलते मुझे अभी उठा रहे हैं कि चलो उठो हमें स्कूल ले जाओ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ जो भी, मैं बाद में आके फिर क्या बोलते हैं। किधर किधर इधर 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 आओ। चलो 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 सुबह से क्या बोलते हैं लगे हो। चलो जी पापा कॉपी ले देता हूँ ले देता हूँ। चलो 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 कापियाँ भी ले दूंगा। चलो भाई चलो, देखो टाइम बहुत हो गया, एक ट्यूशन नहीं जा रहे, एक ऊपर से ट्यूशन ख़त्म करा दिया इनका भाई। चलो 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 भागो भागो भागो, टाइम ज़्यादा हो गया। अब वगैरह जाओ, असेंबली भी आई थिंक हो गई है। जाओ 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 जाओ, बाय 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 बाय। सबसे पहले फिर आए हैं यहाँ चौधरी स्वीट पे और यहाँ से लिए हैं रस हमने और अभी जाएंगे घर। तो चलें भैया, आते ही नाश्ता मैंने कहा दे दे। तो चलें भैया, आते ही नाश्ता दिया गया और मैंने खुद कहा, मैंने कहा मुझे दे दे मैं खा लूँगा, क्योंकि ये हैवी तो होते हैं लेकिन सुबह सुबह, लेकिन क्या करें भाई खाना पड़ेगा। तो अभी जल्दी जल्दी वाइफ को मैंने बोला गर्म कर दो, ये खाते हैं फिर इसके बाद चाय पियेंगे ना, फिर जो है ना बस माहौल मीठे चौल वाला सब हो जाएगा। आप बनाइए और अल्लाह करम बना लेंगे। और यहाँ देखिए, ओए ओए ये हमारा पंखा है, क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर वाला, तो ये चल रहा है भाई। अच्छा इसकी आवाज़ जो है ना इस पंखे से ना बहुत ठंडी होती है, ये गर्म हवा देता है ये ठंडी, अभी भी ये बहुत ज़बरदस्त ठंडी हवा दे रहा है। वाओ, तो चलें भैया, अबू बकर आ गई, अनाया भी आ गया, अभी हम जा रहे हैं। ओए ओए ओए, एक दोस्त है मेरे, उनका चैनल है और वो आ रहे हैं रहीमियर खान से, तो उनका चैनल बनाना है, तो उन्होंने कहा फिरोज़ा मैं आ जाऊँगा। क्या हुआ? तो उनका चैनल बनाना है और अभी हम जा रहे हैं फिरोज़ा नानी लोगों के घर, तो वो फिरोज़ा आएंगे वहाँ से रहीमियर खान से, तो इस वजह से। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी, चल के फिर आपको वहाँ दिखाएंगे। चलो भाई, हाँ इमरान खान आ रहे, रहीमियर खान, अल्लाह अकबर। आप रेडी हैं? नहीं। क्यों? इसकी तबीयत खराब है। जी पा, पता नहीं कौन आला है, वो जो दादे अबू का दोस्त है ना, वो दादे सुर में पुत्र का, जिसका चैनल बनाना है, आप नहीं जानते। चलो आ जाओ चले। मैं जानती हूं ना। हाँ आप जानती हो, आपको नहीं पता। दादा पोत, दादा पोत। भैया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम लोग आ गए थे फिरोज़ा, तो चाचू के दोस्त का काम जो है ना वो हो गया, उनका पिन जो है ना अप्लाई करनी थी, एक दफ़ा पहले भी करके दी थी, वो भी ब्लॉग शूट किया था। कितना दिन के बाद आ गया ये? 3-4 दफ़ा होती है आई थिंक, अभी 2 दफ़ा तो की है, चौथी बार जो है ना मिल जाएगी। बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं। चाचा चाचा से पूछें कितना मुश्किल है बैठ के रिएक्शन देना एक ही जगह पे। रिएक्शन जो होता है ना वो भी खाम खा रिएक्शन दिया जाता, कोई बात हो तो रिएक्शन दिया जाता। हाँ बहुत ही मुश्किल है यूट्यूब बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है, खासकर चाचा के जो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल, अनपढ़ बंदा हूँ, और मुझे ना कोई थम लगा के देने वाला, ना मुझे वीडियो को अपलोड करने वाला, एक एक बंदे के साथ मेहनत करता हूँ यार, मेरी रोजी का मसला ये कर दो, आप भी मुझसे दूर हो। सही है, पहले भी इसने चैनल खोला हुआ था अपने पास, अभी जो है ना ये खोलता नहीं है, कहता है कि मैं चैनल नहीं खोलूँगा, मेरे को आप, मेरे बहुत काम है। चलो अभी आपकी मर्जी, फिर मुझे मेहनत करनी पड़ती है लोगों की आगे। चलो कोई बात नहीं, बेटे का ही हाल है, बेटा सही है, ऐसे बैठे बोले बोले बोले, वैसे भी इतने दिन है, इतने दिन हो गए ब्लॉग नहीं है, बोले बोले कोई टाइम। अच्छा अच्छा यानी कि तुम मुझे फिर रिएक्शन दोगे? हाँ बोले 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 रिएक्शन दोगे? जी जी बोले, जी जी क्या बोल रहे थे सर? ठीक है हो गया, चलो। तो चले भैया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ब्लॉग को करते हैं एंड, और कल बस वहाँ से आने के बाद तो फिर थोड़ा सा मैं खाने वाने में लग गए थे, तो ब्लॉग नहीं शूट कर सका था, और उसके अलावा भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह 2024 बस एंड होने वाला है, ऐसे समझे 2-3 माह रह गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, ये जो साल है बहुत ही अच्छा गुजरा, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है, क्योंकि आप देखें इस साल हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ली थी, क्या लिया था फर्स्ट ऑफ ऑल हमने, हाँ ये पंखा लिया था, ऊपर ऊपर दिखाओ, ये जो चल रहा है अभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह LCD, हाँ सबसे पहले LCD ली थी, नहीं पहले पंखा और LCD,
नंबर वो अलमारी, तीसरा नंबर वॉशिंग मशीन और चौथा नंबर अल्हम्दुलिल्लाह अलमारी। और क्या लिया था? और कुछ हाँ, नहीं हाँ, और अभी जो है ना फ्रिज भी लिया हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साल गुजरा है। और दो तीन मिशन थे मेरे इस साल में कि मैंने सोचा था कि कंप्लीट कर लूँगा कि ब्लॉग्स अच्छे चल गए तो, लेकिन वो तो नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी करेंगे। एक तो बाइक चेंज करनी है, उसके अलावा एक सोलर सिस्टम लगवाना है, यानी 2 से 2.5 लाख उसका खर्चा है, तकरीबन 1-1.5 लाख से ऊपर का बाइक है, तो यानी 3-4 लाख का ये काम है, तो इंशाल्लाह इसको रखेंगे आने वाले साल पे, और उस साल इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे। और बच्चों के स्कूल भी इसी साल आई थिंक ज्वाइन किया था, इसी साल या पिछले साल? पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले साल था ना, इस साल ही ज्वाइन किया होगा आई थिंक। तो यानी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बस जितना हो सके दुआ कीजिए मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। बाकी ये कुछ अचीवमेंट थी, पहले LCD ली थी, उसके बाद मैंने लिया था पंखा, पंखे के बाद आई थिंक मैंने लिया था वॉशिंग मशीन के बाद हम लेके आए थे ये अलमारी, और फिर अब लेके हैं एंड ये फ्रीजर लेके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी दो मंथ रहते हैं इंशाल्लाह, अगर कोई अच्छी सैलरी आ गई तो फिर कुछ ना कुछ और ऐसे छोटा सा कुछ अपना बना लेंगे। और इस साल ये भी हुआ है, मैंने ये चीज़ें भी ली हैं, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पीछे वो बनाई थी मुर्गियों वाला, ये किया था और पीछे अपना सेटअप करके गया था थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्या बोलती हैं, आ गया शॉप मैंने बनवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत सारी चीज़ें इस बार ये भी की हैं, शॉप बनवाई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये घर में आपको पता है कि थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो रही थी, तो फिर ये दीवार दिलवाई। फिर दीवार दिलवाने के बाद, क्योंकि हमारे पास ओपन जगह कुछ नहीं बच रही थी, ये बिल्कुल छोटी सी एक गली बच रही थी, फिर मैं चला गया पीछे, और पीछे जाके फिर वो जो फर्श वगैरह डाला था वो डलवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी बहुत सारे काम करवाए भाई 2024 में, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ बहुत कम है, और आप सब बहनों की दुआओं की वजह से ही ये सब हुआ है। तो यानी ये काफ़ी सारी अचीवमेंट जो है ना मैंने अचीव किए हैं इस साल, और काफ़ी सारे दुख भरे कहानियाँ भी थी इस साल, और दुख में भी रह चुके हैं, खुशी भी आई है, गम भी आए हैं, तो ये लाइफ का हिस्सा है, तो अप एंड डाउन बहुत सारे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया ये सब। लेकिन हाँ, मैं बता रहा था कि भाई 2-3 मंथ रहते हैं, लेकिन 2 मंथ अगर मेरी अच्छी सैलरी आ गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो मैंने बाहर जो बनवाया था ना, ये फर्श वर्श डलवाया था, तो इसका मैंने तकरीबन 35-40 हज़ार अभी भी देना है सामान का, तो वो इंशाल्लाह देंगे। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट बाइक और एक सोलर, ये दो चीज़ें रहती हैं, क्योंकि सोलर इसलिए लगवाना है कि भाई बिजली के एक तो बिल ज़्यादा आ रहे हैं, अभी भी मेरा मीटर जला हुआ है, और मैं गया था, पता नहीं वो ब्लॉग मैंने शूट किया था डाला था या नहीं, तो जी हाँ जब वहाँ गए तो पता चलता है कि 15-18 हज़ार क्या बोलते हैं उसका मीटर का लेंगे, फिर जाके वो छोड़ेंगे। तो फिर मैंने कहा अभी रहने दे, अभी वो एक कोड लगता है, कोड लगने से ये होगा पिछले साल का जो ये मंथ होगा उस मंथ जितना मेरा बिल आया होगा इस मंथ भी वही आएगा, यानी पिछले साल का, अगर पिछले साल सितंबर में 10 हज़ार आया तो इस साल सितंबर में 10 आएगा, तो मैंने कहा अभी वो लगवा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वो करेंगे। तो अभी सर आए हुए हैं, आई थिंक फ़ीस नहीं पे की इस बार वो बकर लगूंगी, तो आई थिंक वो पूछने आएंगे, तो वो तो बाद में कर लेंगे। तो बस यही कुछ था, लंबा चौड़ा हो गया ब्लॉग, बस इसी के साथ अभी ब्लॉग को करते हैं एंड, और इंशाल्लाह बस वही चीज़ दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। चलें भैया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी शाम का टाइम हो गया, यहाँ पूरा दिन स्पेंड करने के बाद, यानी पूरा दिन तो नहीं, काफ़ी घंटे स्पेंड करने के बाद 2-3 घंटे, तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, और बस रास्ते में थे तो मैंने कहा ब्लॉग शूट कर लूँ, और चल के बताते हैं भी क्या सीन चल रहा है आजकल।